इतने सारे लगाए गए हैं। हेलो गाइज, तो आज मैं और पापा जी रनिंग और साइकिलिंग करने वाले हैं, और मतलब मौसम एकदम खुशनुमा है, एकदम सुबह का वक्त है। दिखा सकता हूँ आपको, दिखाता हूँ, ये देखिए आसमान में पूरे बादल छाए हुए हैं और धूप नहीं है, तो साइकिलिंग या रनिंग करने में मज़ा आएगा। और ये नहरी है, पतली सी नहरी, इससे होते हुए हम लोग जाएंगे आगे। और पापा इससे देखिए, पापा रेडी हैं साइकिल पर बैठ कर। आप मतलब कितने छोटे थे तब से हाँकते हैं? कितने इसे 12-13 वर्ष में से, मतलब 12-13 वर्ष के थे तब से हाँकते हैं? अच्छा, तो मतलब काफ़ी टाइम साइकिल चलाते हो गया, मतलब साइकिलिंग पसंद था। तो गाइज देखिए, भाई रेडी हैं तो चलते हैं अब भाई। पापा जी साइकिलिंग करेंगे, मैं रनिंग करूँगा, तो इसी तरह चलते हैं आगे, फिर कुछ दिखाता हूँ आपको। साइकिलिंग रनिंग का ये हमारा जो कारवा है कहाँ तक जाता है और कितने लंबे दूर हम जाते हैं, ये दिखाता हूँ गाइस। तो देख सकते हैं ये आम का पेड़ कैसे बीच रोड पर है। अभी स्लो हो गए पापा जी, पसीना पसीना हो गया हूँ। इधर पीछे कुछ कुछ आवारा कुत्ते भूखने लगे, चलते हैं। देखिए ये नहरी जो है सूखी हुई नहरी है, देख सकते हैं इसमें पानी नहीं है, और अभी खेत भी सूखे सूखे हैं। देखिए काफ़ी हम लोग आगे आ चुके हैं, पसीना और हो चुका है। इधर एक देखिए नहरी दिख रही है और रोड, तो यहाँ से घूमेंगे क्या पापा जी? तो यहाँ से हम लोग घूमेंगे अब यहाँ तक। हाँ कि कैसा लगा पापा जी? पसीना हो गया आपको भी और मुझे भी तो पसीना हो ही गया। तो यहाँ से हम लोग घूमेंगे अब, काफ़ी दूर आ चुके हैं, तो चलते हैं। ये नहरी मैं बता रहा था, इसमें पानी नहीं है देखिए, और इस नहरी के साइड साइड में बहुत सारे पेड़ हैं। हवा शांत हो गई, गर्मी बढ़ गई, हवा एकदम शांत हो गई। चलिए पापा जी चले, मैं भी पीछे से चलता हूँ रनिंग करते हुए। देखिए इधर जंगल झाड़ी है, बांस वंस का पेड़ है, ये देखिए पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है। यहाँ एक स्कूल भी दिख रहा है उस साइड, जो कि यहाँ से रोड जाती है, तो चलता हूँ रनिंग। ये देखिए कितने बड़े बड़े कैक्टस से पौधे इधर साइड में बहुत सारे हैं, वहाँ से यहाँ तक बहुत दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों इतने सारे लगाए गए हैं इधर। देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक दिख रही है बहुत सारे। पापा जी वहाँ तक चले, फिर मुझे तेज रनिंग करनी होगी। ये जो आम का पेड़ है एकदम बीचों बीच रोड पर है, बड़ा सा पेड़ है। देखिए खेत में बकरियां चल रही हैं, अभी खेत खाली हैं सब। इधर झाड़ियां, ये सूखी हुई नाली, आप देख सकते हैं ये पेड़, और ये पसीने से भीगा हुआ इंसान। अभी स्लो स्लो ही साइकिल चला रहे हैं पापा जी, क्योंकि मैंने रनिंग काफ़ी कर ली है। ये सारी टूटी हुई सड़कें हैं, ये देखिए शांत कुत्ता आ रहा है, पता नहीं बोलता है कि नहीं, इसे बड़ा भौंकने लगा था, नहीं भौंका। ये देखिए ताड़ का पेड़, इधर खेतों में ये घोड़े चल रहे हैं, बकरियां भी चल। तो भाई साइकिलिंग करके कैसा लगा? अच्छा लगा है। और
साइकिलिंग का और कुछ कहानी है आपके साथ? पहले पहले साइकिलिंग करते तो कुछ कहानी जुड़ा हुआ? बहुत कहानी है। अच्छा, कुछ बताना चाहेंगे? घर से जब मड़वा पढ़ाने जाते थे और वहाँ से लौट आते थे एक ही दिन में। कितना किलोमीटर? लगभग 80-85 किलोमीटर। 80-85 किलोमीटर? बाप रे, उसमें ये बाइक वगैरह ज़्यादा नहीं होता था ना? बहुत कम था। अच्छा, बहुत कम था। तो गाइज, हम लोग फाइनली मतलब काफ़ी लंबी यात्रा करके, कितना होगा लगभग इधर अब पता नहीं, पसीना तो हो गया बहुत ज़्यादा, आ गए। तो ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। बाय।